तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम गोहान वर्सेस जिरेन की फाइट का एंड देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रैगन बॉल काकुमी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और इसके क्रिएटर से जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और क्रिएटर्स को अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि जिरेन गोहान की तरफ देखकर बोलता है कि सन गोहान, आखिर तुम खड़े होते क्यों जा रहे हो, और एकदम से गोहान चिल्लाता है क्योंकि मैं अभी भी ये कर सकता हूँ। जिरेन समझ जाता है कि गोहान को हार मानने पर मजबूर करना इतना आसान नहीं होने वाला। आखिरकार जिरेन पहली बारी फाइट में सीरियस होता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। हम देखते हैं कि जिरेन जैसे ही पावर अप करता है एकदम से उसके मसल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके बाद जिरेन शांत होकर एकदम से गोहान की तरफ देखने लग जाता है। गोहान भी एकदम से समझ जाता है कि जिरेन अब सीरियस है। हम देखते हैं कि गोहान एकदम से अपने हाथ को फैला के किसी तरीके के अटैक को चार्ज करने लग जाता है। गोहान का ये अटैक काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ काफ़ी सारे एनर्जी ऑर्ब्स बनने लग जाते हैं। गोहान भी कहीं ना कहीं जानता है कि उसकी ताकतें जिरेन को हराने के लिए काफ़ी नहीं है, पर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। एक बारी फिर से हम देखते हैं कि गोहान के अटैक शूट करने से पहले ही जिरेन गोहान तक पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि जिरेन उसके चारों तरफ के एनर्जी ऑर्ब्स को तबाह कर देता है और एक बारी फिर से जिरेन गोहान के चेहरे पर एक और बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। गोहान के इस फाइट में पूरी कोशिश करने के बावजूद भी जिरेन गोहान को एक भी मौका नहीं दे रहा। जिरेन शायद गोहान को उसकी ताकत की रियलिटी दिखाना चाहता है कि गोहान अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जिरेन का पंच पड़ते ही हम देखते हैं कि गोहान एकदम से घूमता घूमता पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है और गोहान की आंखों को देख के लग रहा होता है कि अब वो अनकॉन्शियस है। अगले ही पल हमें जिरेन एक बारी फिर से अपनी एनर्जी चार्ज करते हुए दिखता है और एक बारी फिर से वो गोहान के बराबर में पहुँच के उसके चेहरे पर एक और बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इस पंच की वजह से हम देख सकते हैं कि गोहान के चेहरे की शेप भी बदल जाती है और उसके मुँह से फिर से खून निकलने लग जाता है और इस पंच की ताकत की वजह से गोहान ज़मीन से बहुत ज़ोर से टकराता है जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। धूल झड़ते ही हम देखते हैं कि गोहान ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसकी आंखें बिल्कुल अनकॉन्शियस लग रही हैं, पर इसके बावजूद भी गोहान की गर्दन इधर उधर हिल रही होती है। ऐसा लगता है कि गोहान अभी भी हार नहीं मानना चाहता। गोहान इस वक्त पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है और ये सिर्फ उसकी विल पावर की वजह से हो रहा है। हम देखते हैं कि गोहान एकदम से बहुत तेज़ी से अपनी गर्दन को हिलाने लग जाता है। गोहान के शरीर में ताकत ना होने के बावजूद भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरीके से खड़ा हो सके। वो अपने थके हुए शरीर से इतनी ज़्यादा ताकत लगा रहा है कि एकदम से उसके मुँह से फिर से खून निकलने लग जाता है। उसके शरीर में हर जगह से खून निकल रहा होता है और एकदम से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। गोहान का शरीर बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा रिलीज़ कर रहा होता है और उस ऑरा के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिरेन गोहान को ही देख रहा है। जिरेन इस पॉइंट तक समझ चुका है कि गोहान अपने फादर की तरह ही बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। इसके बाद हम जिरेन की आंखों को देखते हैं। जिरेन अपनी आंखों से किसी तरीके का अटैक गोहान पे करता है और इसके बाद जिरेन गोहान को किसी तरीके के ऑरा के अंदर कैद कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान की बॉडी एकदम से उठने लग जाती है और जिरेन बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड के साथ गोहान की तरफ बढ़ता है। गोहान का शरीर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घायल है और अब जिरेन की शील्ड में कैद होने के बाद हम देखते हैं कि गोहान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। एक ही पल में हम देखते हैं कि जिरेन गोहान के शरीर पर पंचेस की बरसात कर देता है। गोहान डिफेंसलेस होने की वजह से अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उसके शरीर के हर हिस्से पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पंचेस पड़ रहे होते हैं और जिरेन अपना अटैक करने के बाद गोहान की दूसरी तरफ बहुत ही शांति से निकल जाता है। गोहान इसके बाद बिल्कुल अनकॉन्शियस दिखने लग जाता है। एकदम से जिरेन गोहान के पीछे खड़ा होकर बोलता है कि जाग जाओ। हम देखते हैं कि जिरेन का बोलना बेकार नहीं जाता और एकदम से गोहान की आंखों में फिर से लाइफ दिखने लग जाती है। इससे पहले कि गोहान कुछ कर पाता हम देखते हैं कि जिरेन गोहान की कमर पर बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गोहान का पूरा शरीर इस वक्त खून से भरा हुआ है और उसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। गोहान ज़मीन पर गिरता हुआ एकदम से जिरेन को देखता है और उसकी आंखें बंद होने वाली होती हैं। जिरेन इसके बाद गोहान से बोलता है कि गोहान, जिस दिन तुम्हारे सामने हमारा अपोजिंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़ा होगा और वो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मारने की कोशिश कर रहा होगा, उस दिन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये फालतू की स्पीच तुम्हें बचा लेगी। गोहान इसके बाद उठने की कोशिश करने लग जाता है। वो अभी भी खून की उल्टियाँ कर रहा है और उसके शरीर में भी इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो ज़्यादा हिल पाए, पर जैसे ही गोहान उठने की कोशिश कर रहा होता है एकदम से वो कुछ नोटिस करता है। हम देखते हैं कि एक एलियन जनरल का सीरियल और डिस्पो की तरफ बढ़ने लग जाता है। गोहान इस चीज़ को नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि ये उसकी ही गलती है। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे और एलियंस जनरल का सीरियल और डिस्पो पर अटैक कर रहे हैं। उनमें से एक बोलता है कि उस बेवकूफ़ ने हमारे को जिंदा छोड़ दिया। उन बेवकूफ़ों को लग रहा था कि हम लोग शांति से बैठे रहेंगे। एकदम से वो एलियंस हंसने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि जनरल का सीरियल और डिस्पो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हम देखते हैं कि गोहान को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है,
क्योंकि उसने ऑर्डर्स को पूरा नहीं किया। उसके ऑर्डर्स थे कि प्लैनेट पे शांति लाने के बाद उसे सभी टेररिस्ट को ख़त्म करना है, और उसने सभी टेररिस्ट को जिंदा छोड़ दिया। गोहान उनकी तरफ देखकर बोलता है कि जिरेन, हमें उनकी हेल्प करनी होगी। जिरेन बोलता है, नहीं, अपने साथियों पर विश्वास करो, तुम अपनी इस कंडीशन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंजल मार्गरेटा इसके बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो से बोलती है कि लॉर्ड टोपो, क्या आप अपने दोस्तों की मदद करने के लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे? टोपो बोलता है कि नहीं मार्गरेटा, ध्यान से देखो, डिस्पो और जनरल कसीरा सिर्फ दिक्कत में होने का ड्रामा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि डिस्पो और जनरल कसीरा एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लग जाते हैं। मार्गरेटा स्माइल करते हुए बोलती है कि बिल्कुल सही। जिरेन इसके बाद फिर से गोहान की तरफ देखकर बोलता है कि सन गोहान, मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, आखिर तुम बार बार खड़े क्यों हो रहे हो? गोहान को एकदम से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक करती है, और एकदम से गोहान उन सभी लोगों के बारे में सोचने लग जाता है जिन लोगों से वो प्यार करता है, जिन लोगों के लिए वो लड़ रहा है, जिन लोगों की ज़िंदगी की रक्षा करने के लिए गोहान का लड़ना ज़रूरी है। भले ही गोहान को फ़र्क ना पड़ता हो कि वो कितना ताकतवर है, पर गोहान अपनी डेस्टिनी को समझ चुका है, और वो जान चुका है कि उसे बार बार ही खड़ा होना होगा उन लोगों के लिए जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। जिरेन के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो गोहान के चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ चुका है कि गोहान उसकी बात समझ गया है। जनरल कसीरल एकदम से चिल्लाते हैं कि जिरेन रुक जाओ, इतना आगे मत जाओ, और हम देखते हैं कि जिरेन गोहान को हराने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाने लग जाता है। वो अपने पंच में अपनी सारी ताकत को इकट्ठा कर रहा होता है। जिरेन अपना फाइनल अटैक करने के लिए गोहान की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि समय आ गया है। हम देखते हैं कि जिरेन की पंच की ताकत की वजह से उसके मसल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और शायद जिरेन के इस पंच में इतनी ताकत है कि गोहान इस पंच से बच भी ना पाए। जिरेन बोलता है कि ये है मेरी पूरी ताकत अंत के लिए। जिरेन अगले कुछ ही पलों में गोहान तक पहुँच जाता है, और वो गोहान के सामने एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। गोहान कॉन्फिडेंटली जिरेन के सामने खड़ा होता है, और पहली बारी ऐसा लग रहा होता है कि वो जिरेन के साथ बराबरी पर है। और जैसे ही जिरेन गोहान को पंच मारने वाला होता है, हम देखते हैं कि गोहान एकदम से नीचे झुक जाता है, और इस पूरी फाइट में गोहान पहली बारी जिरेन के अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि जिरेन का पंच बेकार हो गया, पर एकदम से जिरेन की एनर्जी एक्सप्लोड करती है। हम देखते हैं कि जिरेन और गोहान की फाइट के लिए मार्गरेटा ने जिस बैरियर को बनाया था, वो भी जिरेन की ताकत से एकदम से हिलने लग जाता है। मार्गरेटा बस हल्की सी स्माइल करती है, क्योंकि वो जिरेन की ताकत को पहले से ही जानती है। और तभी हम गोहान को देखते हैं। गोहान एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना के जिरेन की तरफ बढ़ने लग जाता है। हालांकि गोहान के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत नहीं बची है, पर उसकी बची हुई ताकत उसने अपने इसी पंच में लगा दी है, और आखिरकार गोहान अपना पंच जिरेन पे शूट करता है, पर जिरेन इस पंच को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है, वो भी सिर्फ अपनी गर्दन को हल्का सा साइड कर। पर तभी हम देखते हैं कि गोहान का अटैक पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हुआ। इतनी स्ट्रगल के बाद गोहान आखिरकार जिरेन को छूने में कामयाब हो जाता है, और जिरेन के मुंह से हल्का सा खून निकलने लग जाता है। जिरेन के चेहरे पे स्माइल होती है। जिरेन जानता है कि गोहान अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होगा। गोहान इस वक्त अनकॉन्शियस है, पर उसकी बॉडी अभी भी खड़ी हुई है। एकदम से जिरेन अपने बॉडी के अंदर से एक ऑरा अटैक रिलीज करता है, और जैसे ही ये ऑरा गोहान से टकराता है, हम देखते हैं कि गोहान को हल्का सा दर्द होता है, और एकदम से गोहान की अनकॉन्शियस बॉडी जमीन पर गिर जाती है। आखिरकार जिरेन वर्सेस गोहान की फाइट का एंड गोहान की हार के साथ हो चुका है, जिस बारे में हम में से किसी को भी डाउट नहीं था। हम देखते हैं कि जनरल कसीरल और डिस्पो इस चीज़ को देख के स्माइल करते हैं कि फाइनली गोहान जिंदा इस फाइट से बच गया। उन्होंने उन एलियंस को भी संभाल लिया होता है। हम देखते हैं कि गोहान आखिरकार हार कर ज़मीन पर लेट चुका है, और इसके बाद हम जिरेन को देखते हैं। जिरेन गोहान से बोलता है कि बहुत बढ़िया। आखिरकार मार्गरेटा उस बैरियर को नीचे कर देती है जो कि गोहान और जिरेन की फाइट के लिए बना था। टोपो बोलता है कि हमें 2 साल के प्रिपरेशन का टाइम मिला है उन गॉड्स का सामना करने के लिए जो कि मिलियन साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये समय तैयारी के लिए बहुत कम है। इसके बाद हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एमरॉन को देखते हैं, और वो इस वक्त यूनिवर्स 10 में है। वो यहाँ पर भी तबाही मचाना शुरू कर चुका है। हम देखते हैं कि डोला और सलागा ने 2 वॉरियर्स को हरा दिया है। ये सभी वो वॉरियर्स हैं जिन्होंने यूनिवर्स 10 के लिए टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया था। उनमें से एक वॉरियर चिल्लाता है कि बेवकूफो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिरेन वर्सेस गोहान की फाइट का एंड भले ही गोहान की हार के साथ हुआ हो, पर हम सभी जानते हैं कि गोहान के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल के रिलीज होते ही गोहान काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। पर दूसरी तरफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एमरॉन के इंटेंशन अभी तक क्लियर नहीं है। ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है कि ग्रैंड पीच के पास जाकर आखिर वो क्या करना चाहता है। इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।